नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई। 13 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे में बात यह है कि जो उपचुनाव होने वाला है वो आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो इसे लेकर मुकाबला तगड़ा होने वाला है। हालांकि इस मिशन में कौन पास और कौन फेल होता है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जो बयानबाजियां सामने आ रही, क्योंकि चुनाव उपचुनाव नजदीक है और वार पलटवार का दौर भी जारी है, तो चलिए आपको जो तमाम बयानबाजियां हो रही है पहले आपको वो सुनवाते हैं। सरकार में बैठ करके एक भाजपा का दो मुख्यमंत्री है, हमने अपनी उपलब्धि बताई 17 महीनों की। भाजपा का दो मुख्यमंत्री बताओ, एक काम भाजपा के मुख्यमंत्री ने किया हो कोई बता के बना। हम चुनौती देते हैं, भाजपा के दो मुख्यमंत्री है, एक काम काम किया हो तो बता दो। केवल काम है कि तेजस्वी को फिर भर गाली देना। सभी लोग एनडीए के पक्ष में हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी का जो बिहार के लिए विशेष जो हमें वहां से मदद मिल रहा है, इसका फायदा हमें उपचुनाव में मिलेगा। तो देखा आपने किस तरह से सारे नेता, जो भी राजनीतिक दल हैं, वो लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं में, अपने अपने लोगों में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसका परिणाम क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ कुमार जी, वरिष्ठ संवाददाता, राजेश सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, अमित विक्रम जी, प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं प्रमोद जी से लेना चाहूंगी। प्रमोद जी, तेजस्वी यादव तो अपने कार्यकर्ताओं में और जनता में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ वो बीजेपी को ललकार भी रहे हैं। देखिए सभा जी, जी अभी अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो जनता के बीच में जाकर के जनता का जो संबोधन था उसको आपने सुनाने का काम किया। और बात बात जब 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम कर लें, तो उस समय भी जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब जनता के बीच जाने का काम किए थे और उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, वो जो उनका जो घोषणा पत्र था उसमें जन सरोकार के सारे मुद्दे भरे हुए, जनता के जो समस्याएं थी उन तमाम समस्याओं के निराकरण की दिशा में जो पहल की जानी चाहिए थी उन्हीं का लेखा जोखा था वो घोषणा पत्र। और आपने देखा कि कैसे जब 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जो जनता के जुड़े मुद्दों से जब हम लोग गए, मात्र 12,000 के वोट के अंतर से हम लोग हारे थे। अभी बिहार में चार जो उपचुनाव हो रहा है, चार उपचुनाव में तीन विधानसभा सीट पर हमारे माननीय विधायक थे जो लोकसभा चुनाव में जीत करके लोकसभा से सांसद बने और जिसके कारण ये रिक्त पद हुआ। तो चार बिहार विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। और आप देखिए कि जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब 2022 में 9 अगस्त 2022 को जो महागठबंधन में सरकार बनाने का जो मौका मिला, तो जो 2020 में हम लोगों ने घोषणा करने का काम किया था उन तमाम घोषणाओं पर अमल करने का काम मात्र 17 माह के कार्यकाल में हम लोगों ने करने का काम किया। और जिसका परिणाम आप देखिए कि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव आया, तो अभी जो चार उपचुनाव हो रहे हैं, जो विधानसभा के जो चार उपचुनाव हो रहे हैं, आप लोकसभा में जो मत पड़ा है चारों विधानसभा के दृष्टिकोण से जब आप देखिएगा, तो चारों विधानसभा में हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको लीड मिला है। आप अगर बात तरारी की कर लें, तो तरारी में भारतीय जनता पार्टी को 68,813 वोट मिले थे और भाकपा माले को 74,586 वोट मिले। वही रामगढ़ की अगर बात करें तो भाजपा को 55,677 वोट मिले थे और राजद को 65,605 वोट मिले। वही अगर बेलागंज की बात करें तो 67,890 वोट जो है हमको मिला और राजद को 70,436 वोट मिले।
इमामगंज की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 68,271 और राष्ट्रीय जनता दल को 70,605 वोट मिले, तो ये साफ और स्पष्ट है, जनता के बीच में मैसेज स्पष्ट है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2020 में हुआ उसमें 3 सीटों पर हमारी जीत हुई, जब लेकिन लोकसभा के दृष्टिकोण से जब आप देखिएगा और विधानसभा का भाई जो अवलोकन करिएगा तो चारों विधानसभा में हमारी जीत हुई है। यानी कि 17 माह का जो कार्यकाल रहा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उनके उस कार्यकाल पे जनता ने अपना विश्वास और समर्थन दिखलाने का काम किया और जिसका परिणाम हुआ कि चारों विधानसभा में लोकसभा का चुनाव के दौरान चारों विधानसभा में हमारा लीड हुआ। और अभी भी देखिए जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो जनता के बीच जा रहे हैं वो जनता के ही मुद्दा उठाने का काम करें। आप देखिए महागठबंधन से हटे हुए हम लोगों को 10 माह से ज्यादा समय बीत गया और जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो नौकरी की बात हम लोगों ने कही थी उस समय प्रक्रिया में लाने का काम किया था, देखिए सरकार ने अभी उस पर चुप्पी साधे हुए है, उसको नहीं किया है। ये लोग कहते जरूर हैं कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, 10 लाख रोजगार दे देंगे, लेकिन इस गति से क्या अगले 20 सालों में भी ये नौकरी दे पाएंगे क्या? तो जनता के बीच आखिर ये किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? तो ये साफ और स्पष्ट है कि हमारे नेता के प्रति, राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों के प्रति जनता में अपार स्नेह और प्रेम है और निसंदेह उपचुनाव का जो परिणाम आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करूंगी अमित विक्रम जी का। अमित जी, बात चुनाव की होती है तो सारी कोई भी राजनीतिक दल हो सब जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, सब जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, तो आखिर आप लोगों में क्या ऐसी बात है जो जनता आप लोगों पर भरोसा जताएगी? देखिए ये जो चुनाव है ये सरकार बनाने या गिराने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है जनता के बीच जो अगले साल होने वाले मुख्य चुनाव है उनसे पूर्व अपनी विचारधारा, अपने कार्यप्रणाली को जनता के सामने रख करके उनका मैंडेट हासिल करने का है कि पार्टी की जो विचारधारा है उससे जनता सहमत है या नहीं। और जो विचारधारा राजद की ओर से रखी गई है या भाजपा की ओर से रखा गया है वो एक परिवारवाद की विचारधारा है। ये लोग बात तो विकास की करते हैं, बात तो नौकरियों की करते हैं, लेकिन राजनीतिक जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो वहां पे केवल इनको परिवार के लोग नजर आते हैं। ये बात कर रहे थे रामगढ़ में क्या है, वहां पहले जगदा बाबू प्रतिनिधित्व करते थे, उनके बाद उनके बेटा जी प्रतिनिधित्व किए, वो सांसद बन गए तब उनके दूसरे बेटा जी प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब नेताजी, नेताजी के बाद बेटाजी के बाद एक और बेटाजी, यही स्थिति इनकी बेलागंज में है, वहां से भी जो सांसद जीते उसके बाद सांसद के बेटाजी। तो राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा दोनों पूरी तरीके से बिहार में परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और बिहार के जो राजनीतिक कार्यकर्ता है चाहे वो किसी भी दलों से जुड़े हुए, उनको ये समझ में आ गया है कि राजद भाजपा ये जो पार्टियां हैं ये केवल परिवार को पोषित और चलाने के लिए एक गैंग बना हुआ, ये कोई लोकतांत्रिक आधार पर बनी हुई पार्टियां ही नहीं, वहां पे कार्यकर्ताओं की कोई कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर कार्यकर्ताओं की कुछ होती तो क्या रामगढ़ में कोई एक दूसरा राजद को योग्य उम्मीदवार नहीं मिला जो परिवार से बाहर का हो, या इनको बेलागंज में परिवार से बाहर का कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला? वही बात भाजपा पर भी लागू होती है और हम पर भी लागू होती है। सब लोग यहाँ के बिहार की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं और जनता भी इस बात को समझ चुकी है, इनके जो दल है उनके कार्यकर्ता भी समझ चुके हैं और बिहार की जनता भी समझ चुकी है कि इन्होंने राजनीति को अपनी जागीर समझ ली है, केवल परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति को इन्होंने जरिया बना के रखा है, अपने दल को जरिया बना के रखा है। और इस चुनाव में आप देखेंगे कि चारों के चारों सीट पर परिवारवाद की राजनीति को बिहार की जनता सिरे से खारिज कर देगी। जितना ये वोट की गिनती सुना रहे थे और जो समीकरण ये लोग बांध के चले हैं उन सारे समीकरणों को जनता ध्वस्त कर देगी, क्योंकि जनसुराज की जो विचारधारा है उससे जनता जुड़ रही है। प्रशांत किशोर जी के कार्यक्रमों में भारी भीड़ उमड़ रही है और जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का वो जनसुराज की विचारधारा से सहमत हो रहा है कि जनसुराज मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है, जनता के बीच से योग्य उम्मीदवारों को चुन करके ला रही है और जनसुराज एक विकसित बिहार बनाने के संकल्प को लेकर के सीरियसली काम करती है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है,
यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं है, यहाँ केवल और केवल विकास की राजनीति है, जनता की भागीदारी, कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो रही है यहाँ पार्टी में। एक असल लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है उसका पालन केवल और केवल जनतुराज कर रही है। भाजपा और राजद दोनों और यहाँ तक कि एनडीए में एक और दल जो हम हैं वो भी केवल परिवार को बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। तो परिवारवाद को छोड़ करके असल लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए जनतुराज बिहार में उठी है और इसी विचारधारा को जनता के बीच लेकर जा रही है कि हम विकास की राजनीति करेंगे, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करेंगे, परिवारवाद को साफ कर देंगे बिहार से। ये जो एक गैंग बना लिया है राजनीतिक दल के नाम पर इन लोगों ने कि केवल परिवार के लोगों को बढ़ाना है, नेताजी, नेताजी के बाद उनके बेटा जी, उनके बाद एक और बेटा जी, इस सबको खत्म करना है। जनता इस बात से जुड़ रही है और जनसुराज के कार्यक्रम में आप देख रही होंगी, आप सभी साथी देख रहे होंगे, भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशांत जी जहां भी जा रहे हैं उनके कार्यक्रमों में जनता स्वतः स्फूर्त रूप से शामिल हो रही है और जनसुराज के साथ जुड़ करके परिवर्तन की लहर में शामिल हो रही है। केवल शामिल ही नहीं हो रही है बल्कि इस परिवर्तन की लहर की सारथी स्वयं जनता बन रही है। इस चुनाव को जनसुराज के साथ साथ बिहार की जनता भी लड़ रही है कि इन परिवारवादी पार्टियों को बताना है। और ये भाजपा वाले, ये भाजपा वाले इनके जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो घूम घूम करके पूरे देश में परिवारवाद के खिलाफ हल्ला बोलते हैं और इनको जब टिकट देना होता है तो कौन मिलता है? नेताजी का बेटा जी। वाह रे वाह, दूसरे करे तो चोरी, आप करे तो ईमानदारी, आप करे तो सीनाजोरी, ये नहीं चलेगा। जनता समझ रही है कि बिहार में भाजपा भी उसी रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर राजद चली है और दोनों का इन चुनाव में सफाया हो जाएगा। इनको जनता बता देगी कि आप किस परिवारवादी विचारधारा के साथ जनता नहीं है, जनता को योग्य उम्मीदवार चाहिए जो जनता करे, जनता के दुख दर्द को समझे। ठीक है अमित जी, फिर आपका रुख करेंगे प्रमोद जी, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले राजेश जी का रुख करना चाहूंगी। राजेश जी, अमित जी का तो कहना है कि कोई भी हो, इंडिया गठबंधन वाले लोग हो या एनडीए गठबंधन वाले लोग हो, आप लोग सिर्फ जनता को भ्रमित करते हैं। जनता के मुद्दों पर बात तो जनस्वराज पार्टी कर रही है। देखिए सभा जी, जनस्वराज पार्टी का तो अब खेला 10 दिन का है कि जनता किसको जो है से चुनेगा। अभी 4 दिन पहले इनकी पार्टी बनी है और जनता के बीच में गए हैं तो जनता का कितना विश्वास इनको मिला है और जनता कितना इन पर विश्वास करता है तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम चारों सीट पर चुनाव जीतेंगे। पिछला चुनाव आप देखे होंगे कि अशोक कुमार सिंह कितना वोट से हमारा चुनाव हारे थे, 100 वोट से चुनाव, 100-150 वोट से हम लोग हारे थे। तो ये खटाखट जो विरोधी वाले थे ना कि 1 लाख देंगे, 20,000 देंगे, हम लोग रोजगार देंगे, और रोजगार तो नीतीश कुमार दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मिलकर रोजगार दे रही है। तो इन लोगों का जो भी स्थिति है वो सब जो है सामने आने वाली है। हम चारों सीट पर चुनाव जीत रहे हैं, जनता के पास हम गए हैं, हम जो ये अंधकार से प्रकाश की ओर जो नीतीश कुमार जो ले गए हैं बिहार को, जो बिजली देख रहे हैं, जो रोड देख दे रहे हैं, जो शिक्षा में सुधार देख रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख रहे हैं, लाखों लाखों लोगों का रोजगार जो है सो चल रहा है। तो इन लोगों का हम लोग विकास कर रहे हैं इसलिए जनता हम लोग के साथ है। हम लोग अपहरण उद्योग नहीं ना चला रहे हैं और बिहार की जनता को डरा नहीं ना धमका रहे हैं, जेल में डेली हाजिरी नहीं ना लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस जगह, अभी प्रशांत किशोर जी को अभी जनता के अंदर अभी साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल चुनावी राजनीति में जनता का विश्वास जीतने में लगेगा तब इस पर किसी तरह का कोई ना कोई बात हो। चलिए ठीक है राजेश जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करती हूँ प्रमोद सिन्हा जी का, उसके बाद रुख करूंगी हमारे वरिष्ठ संवाददाता का। प्रमोद सिन्हा जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए सवा जी, अभी जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, ये पहले अपनी विचारधारा की तो बात कर नहीं रहे हैं, इनकी क्या विचारधारा है। अभी तो प्रशांत किशोर जी राजनीति का ककहरा ही पढ़ना शुरू किए हैं, इसके पहले तो पीआर एजेंसी चलाते थे, उसके पहले तो कभी राजनीति पारी खेले नहीं थे। अभी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर इन्होंने पार्टी बनाई है और इनके झंडा में महात्मा गांधी की फोटो लगी रहती है और ये शराबबंदी को तुरंत खत्म करने की बात करते हैं, ये तो इनकी विचारधारा है। महात्मा गांधी जीवन पर्यंत नशा मुक्ति के खिलाफ रहे और उनके विचारधारा के विपरीत जा करके ये लोग जनता के बीच में घोषणा करने का काम करते हैं।
और ये विचारधारा की बात करते हैं, अब ये समझ के बाहर की बात है। अरे आप जनता के बीच गए हैं तो किन मुद्दों के साथ गए हैं ये बतलाने की कोशिश करिए ना। अगर हम लोगों ने जो प्रत्याशी उतारने का काम किया है, अंतिम मुहर तो जनता मारती है ना, नीचे से ऊपर तक, चाहे बिहार की राजनीति हो चाहे देश स्तर की राजनीति हो, जिसको आप परिवारवाद आप जो बोल रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने दल में, और जो व्यक्ति लगातार जो है, कोई जरूरी नहीं है, जो व्यक्ति लगातार मान लीजिए उनके पिता भी काम कर रहे हैं और उनके पुत्र भी काम कर रहे हैं अगर पार्टी में, तो क्या उन इस आधार पर कि उनके पिता पहले से राजनीति करते आए हैं तो पुत्र जो मेहनत करते हैं उनको टिकट नहीं मिले। अंतिम निर्णय का अधिकार जनता को है, प्रजातंत्र में जनता मालिक है और जनता ही चुनती है। अगर जनता को अगर ऐसा लगेगा तो जनता उसको रिजेक्ट करेगी, लेकिन आप जनता के बीच जब जा रहे हैं तो किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? आप तो जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के विपरीत होकर के जा रहे हैं, ये समझने की बात है। और जहां तक रहा राजेश सिंह जी अभी बोल रहे थे कि चारों, तो अभी तो लोकसभा चुनाव में मैंने आंकड़ा आपको दिखला दिया कि मात्र 5 महीना पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, ये चारों सीटों पर हमारी जो है जीत हुई है। और जो मुद्दा, जो वास्तविक मुद्दा है, और ये बता रहे थे आप राजेश 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 जी, राजेश जी अभी उपचुनाव की 40 सीट पर चुनाव जीत गए। अरे हम आप 40 सीट पे जीत गए? नहीं नहीं, आप 40 सीट पे जीते, नारा 400 पार का देते थे और कहाँ आ गए? आप सुन लीजिए ना, थोड़ा धैर्य रख लीजिए ना, आप जब बोल रहे थे तो हम तो बोले रहे हम आप प्रमोद जी ठीक है तो सीधा रुख करते हो हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी का। सौरभ जी, किसकी लहर है उपचुनाव में, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर या फिर तेजस्वी यादव, क्या लगता है? जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी बात है कि पहले हम चुनाव को लेकर बात करेंगे। लहर किसकी है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये फैसला तो मुझे लगता है कि 23 नवंबर को जब मतगणना होगी, जब काउंटिंग होगी, तभी पता चलेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि ये जो चुनाव हो रहा है, इसे आप बेटा और बहू का चुनाव कह सकते हैं। ये बाय इलेक्शन जरूर है, बिहार में 4 सीटों पर बाय इलेक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन इस चुनाव को आप बेटा और बहू का चुनाव कह सकते हैं। कारण आप सभी जगह अगर उम्मीदवारों को देखेंगे तो पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, सभी ने परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया है। इमामगंज में अगर आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी की बहू है वो उम्मीदवार है। बेलागंज में अगर आप देखेंगे तो सुरेंद्र यादव जो अब MP बन गए उनके बेटे हैं। उसी तरीके से अगर रामगढ़ में अगर आप देखेंगे तो जगदानंद सिंह के जो दूसरे बेटे हैं, यानी सुधाकर सिंह MP बन चुके हैं, उनके बेटे जो दूसरे हैं अजीत सिंह, वो उम्मीदवार हैं। उसी तरीके से अगर तरारी में आप देखेंगे तो बाहुबली सुनील पांडे के बेटे उम्मीदवार बनाए गए। मुझे नहीं पता कि वो बीजेपी में कितने दिनों से थे और उन्होंने संगठन के लिए या पार्टी के लिए कितना काम किया है। मुझे लगता है कि 1 महीने पहले ही सुनील पांडे और उनके जो बेटे थे वो पार्टी में शामिल, और उसके बाद उन्हें तोहफे के रूप में या गिफ्ट के रूप में तरारी का उम्मीदवार उनको बनाया गया, और वो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है जो ये कहती थी कि मेरी जो पार्टी है वो बाहुबलियों की पार्टी नहीं। तो निश्चित रूप से बीजेपी को भी जवाब देने की जरूरत है कि किस आधार पर उन्होंने सुनील पांडे के बेटे को उम्मीदवार बना दिया, और वो भी इतने कम वक्त में। तो ये चुनाव जरूर बाय इलेक्शन है, विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इसे बेटा बहू का चुनाव अगर कहेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा सही होगा। और दूसरी बात है कि NDA में अगर आप देखेंगे तो NDA के पास 4 सीटें में से मात्र 1 सीट NDA के खाते में पहले से थी, यानी 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था, 2 सीटों पर अगर आप देखेंगे तो RJD का कब्जा था पहले से, 1 सीटें माले के खाते में थी और 1 सीट जो है वो जीतन राम मांझी के खाते में थी। तो बीजेपी और जदयू के पास होने के लिए कुछ नहीं, कारण उनके उनके खाते में पहले से कोई सीट नहीं थी। हाँ, एक अगर NDA की बात करें तो 1 सीट जो है
वो जीतन राम मांझी के पार्टी जो है उनके खाते में जरूर थी। इसके बावजूद दोनों तरफ से कोशिशें काफी ज्यादा हो रही है। कल हमने देखा कि रामगढ़ में तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका रोड शो था और अच्छी खासी भीड़ भी थी, और उसी रोड शो में वो जमकर हमला भी कर रहे थे बीजेपी पर, नीतीश कुमार पर। वो कह रहे थे कि बीजेपी ने जो अपने दो डिप्टी सीएम को रखा है वो केवल इसलिए रखा है कि वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गाली दे, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम का कोई काम नहीं। तो आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी शुरू हो चुका है, दोनों तरफ से चुनावी प्रचार भी हो रहा है, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो छठ के बाद वो भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। लेकिन एक बात जानना बेहद जरूरी है कि जो बाई इलेक्शन होता है उसके कभी भी अगर आप नतीजे देखेंगे तो सत्ता में जो बैठी पार्टी रहती है उसके फेवर में बहुत कम ही जाता है। ये अगर आप बाय इलेक्शन के जो नतीजे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पक्ष में नहीं जाता है, लेकिन औसतन अगर एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो विपरीत ही जाता है। यानी सत्ता में जो पार्टियां होती है नतीजे जो हैं वो उसके विपरीत जाता है। तो अगर विपरीत जाता है तो भी अगर आप देखेंगे तो भी एनडीए के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि चार में से एक ही सीट उसके खाते में है। और सबसे बड़ी बात है इस चुनाव में, इस बाई इलेक्शन में निश्चित तौर पर इसे सेमीफाइनल जरूर माना जा रहा है, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है बिहार में, और उससे पहले अगर कोई भी चुनाव होता है भले वो चार सीट पे ही हो तो उसे सेमीफाइनल के तौर पर ही देखा जाता है। लेकिन इस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तीसरी पार्टी की एंट्री हुई है, जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी है जन सुराज पार्टी। पार्टी के तरफ से दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर का जो बयान है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मेरी सरकार 2025 में बनेगी, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, और मैं अपने दम पर, यानी अकेले दम पर मैं सरकार बनाऊंगा। निश्चित रूप से आज के डेट में ये बहुत बड़ी बात है, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। कारण अभी तक जहां तक मुझे लगता है, जो 25-20 सालों से मैं देख रहा हूं बिहार की राजनीति को, तो किसी पार्टी ने अकेले दम पर यहां सरकार नहीं बनाई। उसमें कोई पार्टी का नेता अगर ये कह रहा है कि मैं अकेले दम पर 2025 में सरकार बनाऊंगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। तो एक अग्नि परीक्षा जनसुराज पार्टी की भी है, प्रशांत किशोर की भी है, कि इस जो बाय इलेक्शन है इसमें उनकी स्थिति क्या होती है, क्या उनके उम्मीदवार जो हैं उनको लोग नोटिस लेते हैं नहीं लेते हैं, उनकी जीत होती है नहीं होती है, अगर उनकी हार होती है तो उनके जो उम्मीदवार हैं उनको वोट कितना मिलता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनके जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार अगर चुनाव नहीं भी जीतते हैं तो उनको वोट कितना मिलता है, इस बात से भी पता चलेगा कि बिहार की जनता जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी या प्रशांत किशोर को कितना नोटिस ले रही है। तो काफी दिलचस्प चुनाव है, और मुझे लगता है कि समय भी काफी कम बचा है, 11 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, और आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो आज मुझे लगता है कि 5 तारीख हो चुका है, यानी 6 दिन और है चुनाव प्रचार में। तो देखिए अब बाकी जनता के हाथ में है कि वो अपना प्यार जो है किस पार्टी के को देती है, किस पार्टी को नहीं देती है, किसकी हार होगी किसकी जीत होगी। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्यों इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है 2025 से पहले, और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि 2025 से पहले जन सुराज पार्टी का जो भविष्य है वो ये बाय इलेक्शन तय करेगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी अमित विक्रम जी का। अमित जी,
ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर उपचुनाव की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी के लिए नाक की लड़ाई हो गई, क्योंकि इसमें जो नतीजा सामने आएगा यही डिसाइड करेगा कि जनता आप लोगों को कितना पसंद कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों का क्या बनने वाला है। जी ठीक है, सबसे पहले तो मैं प्रमोद सिन्हा जी के आरोप का जवाब देना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि जन स्वराज अपनी विचारधारा को लेकर नहीं जाए। हम लोग जनता के बीच बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी विचारधारा को लेकर जा रहे हैं। हमारी विचारधारा विकासवाद की विचारधारा, इनकी विचारधारा परिवारवाद की विचारधारा और हमारी विकासवाद। हम बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बिहार के युवाओं के लिए बिहार में रोजगार, बिहार की महिलाओं के लिए सस्ते ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था, बिहार के बुजुर्गों के लिए 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन स्कीम, तो ऐसे और किसानों के लिए उनकी खेती को मुनाफे की कमाई बनाने, मुनाफे योग्य कमाई का जरिया बनाने के लिए उपाय करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे समाज के सभी 5 वर्गों के लिए हमने अपनी विचारधारा स्पष्ट कर दी और ये विकासवाद में कोई परिवारवाद, कोई जातिवाद, कोई धर्म आधार नहीं है। ये समाज के जो उम्र के आयु के आधार पर वर्गीकरण हमने किया है उन सभी तबकों के लिए, 5ों तबकों के लिए हमने अपने विकास की रूपरेखा खींच दी है और हमारे 5ों संकल्पों के साथ हमारे उम्मीदवार, हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से वोट की मांग कर रहे हैं। तो इनका जो आरोप है वो तो बिल्कुल तथ्यहीन है कि जन स्वराज की विचारधारा स्पष्ट नहीं है। जन स्वराज की विचारधारा स्पष्ट है और वो है विकास। अब आ गई बात कि ये चुनाव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हर चुनाव हर राजनीतिक दल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई चुनाव किसी के लिए भी कमजोर नहीं है, कोई भी चुनाव महत्वहीन नहीं होता है। अगर महत्वहीन होता तो मैं तो पिछले 2 दिनों से तरारी क्षेत्र में हूं और मैं देख रहा हूं कि भाजपा के माननीय उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री क्षेत्र में घूम रहे हैं। तेजस्वी जी राजद के जो शीर्षतम नेता हैं वो भी अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, हमारे नेता भी सभी क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। तो सभी के लिए यह चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई है और दूसरे पार्टी के लिए महत्वहीन है, सबके लिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा ये प्रथम हमारे राजनीतिक दल का, और लोगों की निगाहें हमारी ओर ज्यादा जुड़ी हुई है, हमारी ओर उनकी निगाहें ज्यादा कड़ाई से, बारीकी से हमारा अध्ययन कर रही है कि जन स्वराज इस चुनाव में क्या परफॉर्म करती है। और निश्चित मानिए इन चुनावों से हम यह क्लियर कट संदेश जनता को, बिहार के पत्रकारों को, बिहार के समाज सेवियों को स्पष्ट संदेश मिलेगा इस चुनाव से कि जन स्वराज ही 2025 में सरकार बनाने जा रही है। हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सरकार बनाने की स्थिति में होंगे कि इन उपचुनाव से स्पष्ट हो जाए। और जो इस चुनाव में हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर के पार्टी की विचारधारा, अपने कैंडिडेट की योग्यता, कैंडिडेट के कार्य को उन तक पहुंचा रहे हैं, उसमें कहीं भी हम लोग किसी जातीय समीकरण, किसी धार्मिक विवाद, किसी कम्युनल एंगल को नहीं रखते हैं। तो विचारधारा की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने साफ और सुथरी राजनीति को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को बहुत पसंद आ रहा है, जनता स्वागत कर रही है, दिल खोल के स्वागत कर रही है। मैं खुद क्षेत्रों में जा रहा हूँ, चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ और ये चुनाव को हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं और हमारी जीत इन सभी 4ों उपचुनावों में सुनिश्चित है। जी अमित जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है, लेकिन एक बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि आप लोग अच्छी शिक्षा देने की भी बात करते हैं आप लोग, और आप लोग ये भी कहते हैं कि शराबबंदी हटा देनी चाहिए, शराबबंदी हटाने की भी बात करते हैं आप लोग कि आप लोगों की सरकार बनेगी तो शराबबंदी हट जाएगी। ये इस पर एक दिन पूरा डिबेट हो चुका है आपके ही चैनल पर और सौरभ जी भी थे उस दिन उस डिबेट में। उसमें हमने स्पष्ट कहा है कि शराब पीना या ना पीना एक मोरल स्टैंड अलग हो सकता है, उस पर नैतिक स्टैंड हर व्यक्ति का अपना अपना हो सकता है, सबके अपने मोरल राइट्स हैं कि वो अपनी नैतिकता स्वयं तय करे कि शराब पीना सही है गलत है, वो एक नैतिक स्टैंड है। लेकिन जो कानूनी स्टैंड है उस पर बिहार के अलावा देश के सभी राज्यों में स्पष्ट कानूनी स्टैंड है कि शराब पीना कानूनी रूप से अवैध नहीं है, जुर्म नहीं है, अपराध नहीं है। तो हम पूरे देश के अनुरूप बिहार में भी कानून चाहते हैं कि शराबबंदी को अवैध नहीं करार दिया जाए, कानूनन जुर्म नहीं करार दिया जाए। हम लोग बिल्कुल सरकार में आने के बाद शराबबंदी हटाएंगे, लेकिन साथ ही साथ शराब के कंजम्पशन को
कम करने के लिए, उसके उपयोग को कम, उपभोग को कम करने के लिए जो जागरूकता होती है, जो जनता के बीच प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसमें करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिहार में अपराध हो, बगल के उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, झारखंड में अपराध नहीं है, बंगाल में अपराध नहीं है, मतलब बिहार के बॉर्डर को पार कर जाइए तो आप अपराधी नहीं है, अब बिहार के बॉर्डर प्रवेश कर लिए तो आप अपराधी हो गए, इस तरह का भेदभावपूर्ण कानून बिल्कुल उचित नहीं है। खास करके तब जबकि शराबबंदी कानून में सबसे ज्यादा हमारे दलित और महादलित समाज के लोग इस कानून की जद में आकर के जेलों में बंद पड़े हैं, मुकदमेबाजी में फंसे हुए। और ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं जो सत्ताधारी दल है उनके नेता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी कहते हैं इस बात को कि उनके समाज के मांझी समाज के ज्यादातर लोग केस मुकदमों में उलझे हुए हैं, जेल में बंद है। तो इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग शराब को बढ़ावा देते हैं, नैतिक रूप से सबका अपना अपना पैमाना है, उसको जज करें, उसमें हम कहीं इसको बढ़ावा नहीं देते हैं। कानूनी रूप से ये अवैध नहीं होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर सबका अपना अपना पैमाना है, सब लोग अपने अपने स्तर से तय करें, कानूनी रूप से ये अवैध नहीं है और पार्टी का ये क्लियर है, इस पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो कानून झारखंड में शराब को लेकर के है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, देश के सभी राज्यों में है, वही कानून बिहार में भी हो। बंगाल में अपराध नहीं, झारखंड में अपराध नहीं, उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं, बिहार में अपराध हो जाए, ऐसा कानून हम नहीं चाहते। और जो इसका समर्थन करते हैं, अगर हमारे दल है समर्थन करेंगे कि नहीं बहुत अच्छा शराबबंदी, तो वो अन्य राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां भी शराबबंदी को नहीं लागू करवा देते। ये बिहार को राजस्व का हर साल 20,000 करोड़ का लॉस हो, ये हम नहीं चाहते हैं। प्रतिबंध हटाया जाए और सामाजिक सरोकार के तौर पर, एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर इसके कंजम्पशन को कम करने के उपाय किए जाए। ठीक है अमित जी, सीधा रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी का, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी, निश्चित रूप से मेरा सवाल राजेश जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे मेरा सवाल है। राजेश जी, ये बताइए कि अगर जनता आधार पूछेगी कि तरारी में आपने जो उम्मीदवार बनाया है, बाहुबली सुनील पांडे के जो बेटे हैं उनको आपने उम्मीदवार बनाया है, तो जनता तो पूछेगी ना कि आखिर ये जरूरत थी बीजेपी की या मजबूरी थी? क्या सुनील पांडे जी के बेटा को पर ऊपर कोई FIR है? सुनील पांडे जी कैंडिडेट हैं। सौरभ जी, आप हमारे मित्र हैं, हम लोग पिछले 20-25 साल से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अभी आपने बोल रहे थे कि परिवारवाद की अभी बहार चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में अशोक सिंह कोई किसी के बेटा है क्या? अशोक सिंह एक आम कार्यकर्ता थे, उनको भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है। और सुनील पांडे जी के बेटा, लेकिन सर अगर आपकी पार्टी जो है, अगर आपकी पार्टी अगर RJD पर आरोप लगाती है और बाहुबलियों की पार्टी कहती है, तो आप पर भी तो सवाल खड़ा होगा ना, NDA पर भी सवाल खड़ा होगा। क्या RJD आपसे ये भी सवाल करेगी ना कि अनंत सिंह जो है वो कौन है? अगर सुनील पांडे की बात करें तो वो कौन है? ये सभी पुजारी तो नहीं है, बाहुबलियों में गिनती होती है, आपको भी पता है। नहीं पता है, लेकिन एक चीज बताइए, सुनील पांडे जी का बेटा पढ़ा लिखा नौजवान है और उसको राजनीति, कितनी दिनों से आपकी पार्टी और संगठन के लिए वो लोग काम कर रहे थे, किस आधार पर आपने उनको उम्मीदवार बना दिया? देखिए, मैं एक छोटा सा सवाल आपको कहना चाहूंगा कि अभी मैं तरारी क्षेत्र में घूम रहा हूं। जी, राजेश जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। पिताजी काम वहां पर MLA रहे हैं, लगातार MLA रहे हैं, उनका परिवार का वहां पर किया हुआ जनता का काम है, उनके फादर को राजनीति से, तो वही बाहुबली छवि जो है ना उसी को कैश करने की कोशिश कर रही है ना बीजेपी। सौरभ जी, आप कह रहे हैं, राजेश जी आप कह रहे हैं कि हमने उनके बेटे को टिकट दिया, और आप ये कह रहे हैं उसके बाद कि उनके पिताजी ने वहां काफी काम किया है, उनकी ये छवि अच्छी है, तो वही मैं कह रहा हूं कि सुनील पांडे की जो बाहुबली वाली छवि है उसी को कैश करने की कोशिश है बीजेपी की। नहीं नहीं, बेटे को केवल नाम के लिए टिकट दे दिया गया। सौरभ जी, आप एक सीनियर पत्रकार है, सीनियर हम लोग के साथी हैं, समाज को बहुत सारे चीज को आप भलीभांति समझते हैं। राजनीति में एक चीज जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की गठबंधन जो है सो बिहार में एक विकास का मॉडल तैयार किया है। आप देखे होंगे कि हम वहां पर किसी निश्चित रूप से आप लोगों ने विकास किया है और विकास का एक मॉडल भी बनाया है बिहार में, इसे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को
आप लोगों की मजबूरी हो जाती है ना बाहुबलियों को टिकट देना और उनकी छवि को कैस करना। देखिए हम लोगों के पार्टी में कोई बाहुबली के टिकट देना ना देना हम लोग के पास कोई कैंडिडेट के कमी है। अभी तो आरजेडी वाले बताएंगे कि बाप बेटा पोता पोती नाती नतनी सबको देते हैं। आप फिर दूसरे तरफ जा रहे हैं, आप फिर दूसरे तरफ जा रहे हैं। आरजेडी फिर आपसे पूछेगी ना अनंत सिंह कौन है, सुनील पांडे कौन है, ये तो आरजेडी भी पूछेगी आपसे। भारतीय जनता पार्टी सुनील पांडे और अनंत सिंह को तो नहीं लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी यदि सुनील पांडे को टिकट देती है, सुनील पांडे को टिकट देती है तो आपका बात 100% सॉल्व रहता कि आपके पास कैंडिडेट नहीं था। चलिए ठीक है सर। अमित जी के पास आएंगे। अमित जी ये बताइए, बड़ी बड़ी बातें करती है आपकी पार्टी, आपके नेता बड़े बड़े दावे करते हैं। मुझे याद है उनका एक बयान कि उन्होंने बोला था कि मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा कोई ग्रेजुएशन से कम उसकी पढ़ाई नहीं होगी, यानी उसकी डिग्री कम से कम ग्रेजुएशन जरूर होगी। लेकिन चारों बाय इलेक्शन में आप लोगों ने जो टिकट दिया है, दो आपके उम्मीदवार 10वीं पास हैं और दो आपके उम्मीदवार 12वीं पास हैं, तो कहने के लिए कुछ और बातें हैं और करने के लिए कुछ और बातें हैं। देखिए सौरभ जी, पहले तो मैं हमारे जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे मैं उस पर थोड़ा सा टिप्पणी करना चाह रहा था कि इन लोगों ने जो सुनील पांडे जी के बेटे को टिकट दिया है वो जमानत बचाने के लिए उनको टिकट दिया है। पिछले चुनाव में तरारी में इनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। इनके जो प्रत्याशी थे विद्यार्थी जी, वो कितना वोट लाए थे इन लोगों से पूछिए, इनको पता होगा, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। जमानत जब्त होने के डर से इन्होंने एक बाहुबली का सहारा लिया है और बाहुबली के बेटे को टिकट दिया। नहीं वो तो आप पिछले चुनाव में जमानत जब्त किस पार्टी की हुई थी तरारी विधानसभा में, सब लोग जान रहे हैं भाजपा की जमानत जब्त हुई थी। तो जमानत बचाने के लिए बाहुबली इन्होंने सहारा लिया है। रह गई बात की उनको नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट दिया। पूरे तरारी विधानसभा में मैं घुमा हूँ, जहाँ कहीं भी भाजपा का बैनर पोस्टर है वहां पर इनके प्रत्याशी से बड़ा फोटो उनके पिताजी का लगा हुआ है उसी पोस्टर पर। तो ये टिकट भले उनके बेटे को दिया हो लेकिन वोट सुनील पांडे जी के नाम पे मांगा जा रहा है। पूरे नहीं, वो तो सबको पता है कि टिकट भले ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो सबको पता है कि बेटे को टिकट जरूर दिया गया है लेकिन चुनाव जो है वो सुनील पांडे ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल 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 जी। मेरा सवाल जी सर, आपके सवाल का जवाब दे दूं। आप जो बातें कह रहे हैं, हो सकता है प्रशांत जी ने किसी सभा में किसी कार्यक्रम में उस बात को कहा हो, मैंने तो नहीं सुना, मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जो संविधान सभा बनी, उसमें अपने कैंडिडेट्स के या पार्टी के जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे बहुत चर्चा हुई। और हमारे पार्टी के संविधान सभा में 121 सदस्य थे और संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया कि हमारे यहाँ चूंकि राजनीति में सिर्फ आज की पीढ़ी नहीं आएगी, जनसुराज में सिर्फ आज की पीढ़ी के लोग नहीं जुड़ेंगे, राजनीति में वो लोग भी जुड़ेंगे जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा 90 के दशक में ग्रहण की होगी या 90 से पहले भी जिन्होंने ग्रहण किया होगा। तो क्या हम एक ऐसा पैरामीटर रख लें जिससे कि राजनीति में आने वाले बहुसंख्यक ऐसे समाज से जुड़े लोग जो उन्होंने उस समय काल में अपनी शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया हो या उस समय की परिस्थितियां उन अनुकूल नहीं रही हो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उनको क्या हम राजनीति में आने से प्रतिबंधित कर दें शिक्षा को ऊंचा मापदंड रख करके? तो इस पर संविधान सभा की यह सहमति बनी कि शिक्षित होने का पैमाना फिलहाल कुछ वर्षों के लिए 10वीं परीक्षा रखा जाए कि कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और आने वाले समय में भविष्य में हम लोग इस क्राइटेरिया को और ऊंचा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी ही अगर हम एक बहुत ऊंचा क्राइटेरिया रख देंगे तो ऐसे लोग जो 90 के दशक में 80 के दशक में पढ़ाई लिखाई हुई जिनकी शिक्षा यही होता है ना, अभी जी, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं परिस्थिति अनुसार अपने आप को चेंज करना। कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें जरूर करेंगे लेकिन जब हम फील्ड में जाएंगे ना तो अपने अनुसार हर चीज को चेंज करने। भले तेजस्वी यादव को नमी पास कहेंगे लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो हम उम्मीदवार 10वीं पास को बनाएंगे। बिल्कुल नहीं, देखिए सर मैं बार बार टोक रहा हूँ कि ये फील्ड में जाने पर चेंज नहीं हुआ है, ये पार्टी के संविधान में ये संशोधन 2 अक्टूबर से पूर्व ही हो चुका है। 2 अक्टूबर को जब पार्टी का गठन हुआ उस दिन जो संविधान को स्वीकारा गया
उससे पूर्व ही इस बात का संविधान सभा में फैसला हो चुका था। हम लोग एजुकेशनल क्राइटेरिया फिलहाल केवल मैट्रिक पास रखते हैं, और इसको लेकर के जो तर्क मैंने दिया वो भी आपके समक्ष है, वो भी संविधान सभा से ही निकल के आया हुआ तर्क है। तो ऐसा नहीं है कि हमने फील्ड में जाने के बाद अपने स्टैंडर्ड को लो कर दिया या एजुकेशन को लेकर के हम अपनी बात से पलट गए। जो पार्टी की संविधान सभा ने तय किया हम लोग उसका अक्षर से पालन करते, हम लोग उससे कहीं पीछे नहीं हटे। हमारे पार्टी के संविधान सभा ने यह तय किया। प्रशांत जी ने हो सकता है शुरुआती दौर में जब वो पदयात्रा कर रहे हो तो कहीं उन्होंने इस बात को कहा हो, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन पार्टी की जो सर्वोच्च संस्था थी जो संविधान को तय कर रही थी उस सभा ने, उस संविधान सभा ने तय किया कि फिलहाल कुछ वर्षों के लिए कैंडिडेट के लिए या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए जनसुराज की ओर से मैट्रिक पास की ही योग्यता को फाइनल किया जाए। और ये पार्टी के संविधान में ऐसा नहीं है कि चुनाव घोषणा होने के बाद हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिया हो या फील्ड में उतरने के बाद हम अपनी विचारधारा से हट गए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे संविधान में है हम लोग उसका सदा पालन कर रहे हैं, तो कहीं पीछे हटने और पलटने की बात नहीं। चलिए अंतिम सवाल है प्रमोद जी से। प्रमोद जी ये बताइए, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि समय की भी कमी है, तो छोटा सा मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। प्रमोद जी ये बताइए कि आपको लगता है कि बेलागंज में अपने पिता की इज्जत और रामगढ़ में अपने भाई की इज्जत बचा पाएंगे आपके उम्मीदवार? देखिए सौरभ जी, बेलागंज और रामगढ़ की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, हम इमामगंज की भी बात कर रहे हैं, तरारी की भी बात कर रहे हैं। चारों जगह पर जो है महागठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। अब तो 13 तारीख परिवारवाद का जो आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पर, ये मजबूरी थी आरजेडी की? जो लोग लगा रहे हैं ना वो नीचे से ऊपर तक तो इसी में संलिप्त रहते हैं, इनको ये कहने का कुछ कहते हैं और करते हैं कुछ। अभी देखिए अमित विक्रम जी कितना चालाकी से, कितनी साफ गोई से अपनी बात को प्रशांत किशोर को बचाने का काम कर रहे हैं, राजनीति अपने आप को रणनीतिकार कहने वाले। नहीं अब बीच में मत बोलिए अमित जी, अमित जी अब बीच में मत बोलिए, अब हमको बोलने दीजिए। नहीं नहीं आप ठीक है, आपकी बात सुन लिए हम, आप अब सुन लीजिए। जब जब राजनीतिक पारी खेलने की बारी आई, अपने आप को बड़े रणनीतिकार कहने वाले प्रशांत किशोर जी, जब 4 प्रत्याशी मात्र देना था, उपचुनाव था 4 जगह पर, वहां पर जब ये पहले प्रत्याशी दिए तो 2 प्रत्याशी को इन लोगों ने बदलने का काम किया, ये भी समझने की जरूरत है कि पहले ही शुरुआती दौर में ही ये पूरी तरह से फेल हो गया। और कह रहे हैं कुछ वर्षों तक ये व्यवस्था को कायम किया गया, अरे भाई कुछ वर्षों तक आप रहिएगा ना, उपचुनाव के बाद प्रमोद जी मेरा सवाल ये था कि परिवारवाद जो आप लोगों ने बढ़ावा दिया, उम्मीदवार जो आप लोगों ने खड़ा किया, ये जरूरत थी या मजबूरी थी पार्टी की? देखिए सौरभ जी, आप मैंने अपने पहले संबोधन में इस बात को कहा है कि आप जब बेलागंज की बात करते हैं तो आप देखिए वो लगातार जनता के बीच में रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी कहा कि जो व्यक्ति अगर कोई किसी का पिता अगर लगातार जो है लगातार राजनीति करते रहे हो और उनका पुत्र भी राजनीति करता हो तो सिर्फ इस आधार पर फिर बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कब जगह मिलेगी? पूरी बात प्रमोद जी, फिर बाकी जो बेलागंज के नेता हैं आरजेडी के या जो कार्यकर्ता हैं या जो रामगढ़ के नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको कब जगह मिलेगी? सौरभ जी जब पूरे बिहार विधानसभा का जब चुनाव होता है 243 सीटों पर जब लड़ाई होती है तो क्या सभी जगह ऐसे ही प्रत्याशी दिए जाते हैं क्या? ऐसे प्रत्याशी तो मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बेलागंज और रामगढ़ के जो आरजेडी के नेता हैं वो अपनी उम्मीद और आशा छोड़ दें कि उनको कभी टिकट मिलने वाला है आपकी पार्टी के तरफ? आप सौरभ जी आप दूसरे एंगल में जाने का काम कर रहे हैं, प्रत्याशी देने का काम हमारे यहाँ तो सारा सिस्टम बना हुआ है, प्रत्याशी देने का काम शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं और उन्होंने प्रमोद जी समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। तो सभा आपने देखा कि मैं शुरू में ही आपको कह रहा था कि भले ही बिहार में विधानसभा का ये उपचुनाव है लेकिन इसे
बेटा और बहू का चुनाव कहेंगे तो वो ज्यादा सटीक होगा, उपयुक्त होगा। और जनता क्या फैसला करती है, क्या उस परिवारवाद का वो समर्थन करती है या फिर परिवारवाद को नकार देती है, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं और एक बार और कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर के आने से चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव को लेकर तैयारियां काफी तेज है, फिर चाहे इंडिया गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो या तीसरा मोर्चा जनसुराज पार्टी, तीनों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि जनता किस पर भरोसा जताएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।